हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आज के इस वीडियो में आप बात करेंगे अचानक से बहमनी राज्य कहाँ से आ गया। जी हाँ, ये कहीं से नहीं आया, ये वहाँ से आया है जहाँ से ये स्किप हुआ था। जी हाँ, देखिए, मैंने जो कंप्लीट ये बुक स्कैन करी थी तो ये पार्ट 8 के बाद और 9 के बीच में कुछ पेजेस स्किप हो गए थे। शायद आपको वो इंसिडेंस याद होगा कि जब मैंने आपसे इस बुक का स्कैन पीडीएफ मांगा था, कोई स्टूडेंट हमको सेंड करे, तो उसी बीच में कुछ दौरान में कुछ पेजेस स्किप हो गए। ये मैंने खुद स्कैन करना फिर उसके बाद से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आप शायद बहुत बिजी थे, आप सपोर्ट नहीं कर पाए, चैनल को पीडीएफ नहीं दे पाए, तो मैंने खुद ही स्कैन करा था। जैसे कि आप सभी जानते होंगे अगर आप पुराने टाइम से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल देखिए, अब मैं कवर कर रहा हूँ वो 6 पेजेस जो स्किप हो गए थे। ये पार्ट 8 के बाद का कुछ टॉपिक है जो स्किप हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। अब यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन ये बनता है कि बहमनी राज्य के संस्थापक कौन है, तो आपको याद रखना है वो है आपका हसन गंगू। स्थापना कब हुई थी, तो ये स्टेट पीसीएस के एग्जाम में जीएस पेपर 1 के लिए इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर आपको वर्ष पूछ सकता है, लेकिन एसएससी या फिर अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है वहाँ पर आपसे पूछता है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन है, बहमनी राज्य की नींव किसने रखी। तो ये आप याद रखना, इसका नाम है हसन गंगू। अब देखिए वह कौन था, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। तो देखिए, एग्जाम में या तो आपको ऑप्शन दे सकता है हसन गंगू, या फिर आपको एग्जाम में ऑप्शन दे सकता है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अब देखिए, इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो राजधानी बनाया था गुलबर्गा को, और इसकी राजभाषा क्या थी, मराठी। ये क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस में एक दो बार पूछा गया है मराठी भाषा, तो आप इसको ध्यान रखना। अब देखिए, इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा, और इसकी जो डेथ हुई थी, इसकी डेथ हुई थी 11 फरवरी 1358 को। अब देखिए, अलाउद्दीन हसन के पश्चात, मतलब उसके बाद, उसका जो पुत्र था मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना, और इसके शासनकाल में ही सबसे पहली बार बारूद का प्रयोग करा गया था बुक्का के विरोध, ठीक है, बुक्का के अगेंस्ट विरोध होकर के पहली बार बारूद का प्रयोग करा गया था। किसके शासनकाल में, मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान के शासनकाल में सबसे पहली बार बारूद का प्रयोग करा गया था। अब देखिए, भीमा नदी के तट पर फिरोज शाह की स्थापना किसने करी थी, तो वो करी थी ताज उद्दीन फिरोज ने। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बस इतना ही पढ़ना, किसने करी थी स्थापना, उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित करा। तो किस शासक ने, किस राजा ने गुलबर्गा से हटाकर अपनी राजधानी बीदर को बनाया, तो ये नाम आप याद रखना, इसका नाम था क्या था, सिहाबुद्दीन अहमद, और इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। बीदर का नया नाम किसने रखा, क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछेगा तो नाम याद रखना इसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से मोहम्मद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। और देखिए, ये बहमनी वंश के संस्थापक के बारे में ये आप ध्यान से पढ़ लेना, इसको फिलहाल आप याद रखिएगा, पहला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, बस यही आपसे एग्जाम में पूछता है। फिर हम बात करते हैं आपसे कि जो जो पॉइंट हाईलाइट है केवल उसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ अपनी पूरी बुक में, जितने भी वीडियो होते हैं शायद आपको अच्छे से पता होगा। अब मैं बात करता हूँ फिलहाल, अगला जो पॉइंट है वो है आपका बहमनी साम्राज्य के चारों प्रांत के प्रांतपति उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते हैं। एक है आपका दौलताबाद का तरफदार, सेकंड आपका बरार का तरफदार, थर्ड है आपका बीदर का तरफदार, और फोर्थ है आपका गुलबर्गा का तरफदार। बहुत ही रेयर चांस है इसके पूछने का, बस आप याद रखना कि कितने भागों में इसको डिवाइड करा गया था बहमनी साम्राज्य को, तो ये करा गया था 4 प्रांतों में। फिर हम बात करते हैं कलीम उल्ला। जी हाँ, कलीम उल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था, वो था आपका कलीम उल्ला।
राज्य बीजापुर, वंश आदिल शाह, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, स्थापना वर्ष 1489। बीजापुर राज्य की स्थापना किसने करी थी, संस्थापक कौन था, तो ये नाम आपको याद रखना, और ये किस वंश से संबंध है, तो ये रखता है संबंधित अपना आदिल शाही वंश से। अगला पॉइंट है आपका बरार के बारे में। बरार का संस्थापक जो था वो था फतेह उल्ला इमाद शाह, स्थापना वर्ष है इसका 490। बीदर का संस्थापक था अमीर अली बरीद, और स्थापना वर्ष है इसका 1526। फिर हम बात करते हैं वजीर ए असरफ क्या था एक्चुअली। ये था आपका विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन कौन करता था। एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, चार ऑप्शन देगा आपको, वहाँ पे चार ऑप्शन दे सकता है, वकील ए सल्तनत, वकील ए कुल, अमीर ए जुमला, या फिर वजीर ए असरफ। तो आपको ये नाम बड़े ध्यान से याद रखना है। फिर हम बात करते हैं, देखिए कि इसका जो एक मंत्री होता था इसको बोलते थे संद्रे जहां, तो इसका काम था धर्म तथा दान विभाग का ये अध्यक्ष होता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, इसको आप परमानेंट मार्कर से किसी बुक में लिख लीजिए अपने साइड में, या बुक में अगर आप हाईलाइट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बुक अगर आपके पास में नहीं है तो प्लीज़ बुक को मार्केट से जाके परचेज कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए थे, उनकी संख्या बताइए, तो कुल संख्या थी इसकी 18, जिन्होंने टोटल कितने वर्षों तक शासन करा, इनका शासनकाल रहा था 175 वर्ष। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट है हमारा स्वतंत्र प्रांतीय राज्य जौनपुर की स्थापना किसने करी थी, तो ये करी थी फिरोज शाह तुगलक ने, और जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना करी थी मलिक सरवर ने। इसके बाद अब ये सब चीज़ें ड्रॉप कर सकते हैं, इसको भी स्किप आप कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अटाल देवी की मस्जिद का निर्माण कब हुआ और किसने कराया, तो ये कराया 1408 में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया। किसका निर्माण, अटाला देवी मस्जिद का। फिर हम बात करते हैं अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी मंदिर के तोड़कर, मतलब पहले मंदिर था और मंदिर के साथ में फिर बनी इसके पास मस्जिद, तो कौन से मंदिर को तोड़ करके अटाला देवी की मस्जिद बनाई गई, तो वो था आपका अटाला मंदिर। और जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1470 में, 1470 ईस्वी में, और सुल्तान कौन था, वो था सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह। देखिए यहाँ पे सॉरी, ये आपका हुसैन शाह, ये आप याद रखना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपसे कश्मीर के बारे में। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना रखी या स्थापना की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल और केवल स्टेट पीसीएस जीएस पेपर वन वाले स्टूडेंट के लिए। ये क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ये आपसे पूछा गया है, डायरेक्ट यहाँ पे आया आपका वर्ड्स एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं, इसने अपनी राजधानी इंद्रकूट में स्थापित करा, और अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकूट से हटाकर अलाउद्दीनपुर में स्थापित करी। और उसके बाद हम बात करते हैं कि हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर को बुद्ध सिकंद कहा गया, और 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे क्या बोलते हैं, कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अकबर किसको बोलते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चंस आपने डैम श्योर अपने एग्जाम में कहीं ना कहीं देखा होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रियल एग्जाम दिया है, मॉक टेस्ट कोई भी अगर सॉल्व करके देखा है, चाहे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपने ज़रूर देखा होगा। तो आप ये नाम पूरा याद रखना ध्यान से। आगे हम बात करते हैं बंगाल की ओर बढ़ते हैं। बंगाल मतलब इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया, और गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को तीन भागों में डिवाइड करा, लखनौती, सुनारगांव तथा सतगांव। और इम्पॉर्टेंट है आपका सतगांव कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है दक्षिण बंगाल में, और लखनौती है आपका उत्तर बंगाल में। तो दोनों ही सिचुएशंस क्या है, कहाँ पर ये स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं आपसे, डायरेक्ट बात करूंगा मैं आपसे, मालाधर बसु। मालाधर बसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुडराज खान की उपाधि धारण करी। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि से नवाजा गया है। और मालवा, दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित करा, और दिलावर के पुत्र थे अलप खां,
हुशंगशाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने राजधानी को धारा से मांडू में स्थानांतरित करा। और मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ, खिलजी वंश का संस्थापक जो था मालवा में वो था आपका मोहम्मद शाह। ध्यान रखना क्या है, ये आपका मोहम्मद शाह। फिर हम बात करते हैं आपसे मांडू के किले का निर्माण कराया था हुशंग शाह ने। उसके बाद कुशुक महल के बारे में, कुशुक महल जो है आपका कुश्क महल को मोहम्मद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया। गुजरात, गुजरात का प्रमुख शासक था आपका अहमद शाह, फिर आया आपका महमूद शाह, फिर आया आपका बहादुर शाह। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर की स्थापना करी, उसको बसाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन रहा है? वो रहा है आपका महमूद बेगड़ा, याद रखना महमूद बेगड़ा। और मेवाड़, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलोत राजवंश के शासक रत्ना सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। और राणाकुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना करी। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने करी? तो वो था राणाकुंभा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1527 में, राणा सांगा एवं बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। याद रखना कुछ रिवॉल्ट होते हैं, स्टैंडर्ड रिवॉल्ट आपको पता होना चाहिए, जैसे पानीपत का युद्ध कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हल्दीघाटी, तो ये सभी वॉर आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपका एग्जाम बहुत जल्द है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस बुक के स्टैंडर्ड जो भी रिवॉल्ट हुए हैं, जो भी विद्रोह युद्ध जो भी हुए हैं, वो आप याद कर लेना बुक को ओपन करके। अब हम बात करते हैं, फिलहाल मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। देखिए अगला जो है आपका खानदेश, तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना करी और इसकी राजधानी थी बुरहानपुर। अब हम बात करते हैं सूफी आंदोलन के बारे में। मुझे इसके बारे में बहुत कमेंट्स आए थे कि सर सूफी आंदोलन आपने स्किप करवा दिया, क्या उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है? उसमें इंपॉर्टेंट था, बट रिकॉर्डिंग करने का टाइम मुझे नहीं मिल पाया था। अब देखिए सूफी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं मानता हूँ, और एग्जाम में आपका एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। देखिए जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें कहते थे मुरीद। याद रखना उनको क्या कहते थे? मुरीद। और सूफी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें कहते थे खानकाह या फिर मठ। सूफियों के धर्म संघ बासारा और बेसारा में विभाजित थे। सूफियों के जो धर्म संघ थे वो दो भागों में डिवाइड थे, एक थे इस्लामी सिद्धांत के समर्थक, एक थे आपके इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं, मतलब वो कोई सा भी धर्म अपना लेते थे कभी भी। अब देखिए अगला जो पॉइंट है वो है आपका भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थी और ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत करी और चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। क्या था? अजमेर। और देखिए उसके बाद में बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है, तो गुरु ग्रंथ जो साहिब है उसमें किसकी रचना शामिल है? एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, तो वो है आपका बाबा फरीद। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, उनके नाम थे एक का निजामुद्दीन औलिया और एक का नाम था अलाउद्दीन साबिर। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 ईस्वी में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना शेख सिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की। बस ये नाम अब याद रखना। इसके बाद इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना करी। इसका मुख्य केंद्र क्या था? इसका मुख्य केंद्र था बिहार। क्या था? बिहार। और कादरी धर्म संघ या सिलसिले की स्थापना सैयद अबुल कादिर उल जिलानी ने बगदाद में करी। और भारत में इस सिलसिले के प्रवर्तक कौन थे? उनका नाम बताइए। उनका नाम था मोहम्मद गौस। अब देखिए शेख अहमद सिरहंदी को था, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
यहाँ पे इस टॉपिक को यहीं से पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजी उबेदुल्ला ने की थी। भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजी बकी बिलहा ने की, और भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय जो जाता है वो जाता है बकी बिलहा के शिष्य अकबर के समकालीन थे, इनका नाम था शेख अहमद सिरहिंदी। अब हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन के बारे में। तो देखिए, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया, ठीक है, इसका श्रेय किसको जाता है, एग्जाम में आपसे ये पूछता है, तो वो है आपके रामानंद। कौन? रामानंद। और बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। तो उसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित चार मठ कौन कौन से हैं। एक है आपका श्री संप्रदाय, ब्रह्मा संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। अब देखिए, भक्ति आंदोलन के संत कौन कौन से रहे हैं। संतों का नाम एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, जो भी ग्रेड सी और डी के एग्जाम होते हैं वहां पे आपसे संतों के नाम पूछेगा, वहां पूछेगा आपसे इनका जन्म वर्ष और इनकी खास बातें क्या क्या रही हैं वो पक्का पूछेगा। देखिए, ऐसे कि रामानुजाचार्य के बारे में हम बात करते हैं, रामानुजाचार्य, ठीक है, ये नाम बहुत फेमस है, इसको अगर मैं कंप्लीट हाईलाइट करता हूँ तो कुछ गलत नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी देखिए, इन्होंने राम पर अपना अपना इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। और बात करें इनके जन्म की, इनका जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में और मद्रास के निकट पेरम्बूर नामक स्थान पर हुआ। 1137 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई और रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया। रामानंद का जन्म हुआ था 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। बस ठीक है, आपको जन्म याद रखना है और इनका रामानंद का जन्म कहाँ पे हुआ था, प्रयाग में हुआ था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं कबीर के बारे में। जी हाँ, कबीर का जन्म हुआ था 1440 में और थोड़ा सा डिटेल में हम इसके पढ़ना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और फेमस पर्सनैलिटी है। अब देखिए, जन्म के बारे में थोड़ा सा इसमें मतभेद है, क्या हुआ था। देखिए, वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था, लोगों का मानना यही है। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को नदी में वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब के समीप में छोड़ दिया। वहां पे जुलाहा आए, दो हस्बैंड वाइफ, उन्होंने देखा कि छोटा बच्चा यहाँ पे रखा हुआ है तालाब के पास में, उसको उठा के ले गए अपने साथ में, ठीक है। और जुलाहा का नाम क्या था, जुलाहा का नाम था नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा। अब बात आती है कि कबीर की माँ का नाम क्या था, एग्जाम में मैक्सिमम कबीर की माता का नाम पूछता है, तो वहां पे ऑप्शन में देगा आपको नीमा, क्योंकि जो तालाब के तट पर कबीर को छोड़ के गई थी, अल्प आयु में नवजात शिशु कबीर को छोड़ के गई थी, तो माँ का नाम तो भी मेंशन होता ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो कॉमन सी बात है, अब नीमा ही फेमस रहेगा यहाँ पर। और इस बालक का नाम कबीर रखा गया क्योंकि ये क्या थे, जुलाहा थे। अब हम बात करते हैं, कबीरदास की डेथ हुई थी 1510 में मगहर में। और नोट, कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, ठीक है, ये आप एक काम करना, बुक में इसको हाईलाइट कर लो फटाफट, ये बुक अगर आपने नहीं ली है तो फटाफट जाके मार्केट से बुक को परचेज कर लो। देखिए, कुछ बच्चों को शायद ये भी लगता है कि मैं बुक परचेज कर लो परचेज कर लो बहुत फोकस करता हूँ। जी हाँ, मैं इसलिए फोकस करता हूँ ना, आपकी जो दुकान है ना पास में मार्केट में, उससे मेरी कमीशन सेट है, ठीक है बच्चों। क्योंकि मुझे कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट आते हैं कि सर बुक को परचेज आप क्यों फोर्स करते हो, क्या रीज़न है। भाई, बुक को परचेज करने का मेरा मेन रीज़न यही होता है कि आप अगर खुद हाईलाइट करते हैं, मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, तो याद करने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है, आपको एक क्लास अच्छे से याद होती है। अब बस मेरा मेन मोटो यही है, अगर लगता है कि बिना आपको बुक उठाए, बिना पेपर उठाए, बिना नोट्स बनाए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो अच्छी बात है, हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। तो बस टारगेट ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो पैसा खर्च करना ही करना पड़ता है। ये बुक ऐसी है कि आपको ये पढ़नी पढ़नी पड़ेगी, ऑल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिना पढ़े सिलेक्शन अब नहीं होने वाला है। किताब उठानी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, टाइम देना पड़ेगा, तब सिलेक्शन होगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाला टाइम अब चला गया है, ठीक है। तो समझदार को सारा काफ़ी है, बाकी जिसको बोलना है तो वो बोलेगा ही कि ठीक है हम बुक परचेज नहीं कर रहे हैं, नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते वाला केस अलग होता है कि फाइनेंशियल वीक है नहीं कर सकते, वो अलग रीज़न है। बट जो परचेज नहीं कर सकते वो कम से कम नोट्स तो बनाओ, कहीं नोट तो करो, उसको कबीर की डेथ कब हुई थी, किसका समकालीन था ये तो आपको पता होना चाहिए ना। और उसकी माता का नाम क्या था, जन्म कब हुआ था, कौन सी नदी थी जहाँ पे, कौन सा तालाब था, तालाब का नाम क्या था, लहर तारा, ठीक
ठीक है। तो ये सब आपको एक बार में सुन के याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका आईक्यू लेवल बहुत ही हाई है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो तो राम जाने या फिर आप जाने। तो फिलहाल प्लीज़, मैं आप बच्चों को डांटता हूँ तो मैं आपके भले के लिए डांट रहा हूँ, बाकी आपकी श्रद्धा। देखिए, गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में और अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था। बस जन्म का वर्ष आप याद रखिएगा। और उसके बाद में इनकी माता का नाम था तृप्ता देवी और पिता का नाम था कालू राम। अब देखिए, नानक जो थे सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित हुए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नानक थे वो किस संत से प्रभावित हुए थे, तो वो थे सूफी संत, उनका नाम था फरीद। अब हम बात करते हैं हम लोग चैतन्य स्वामी। इनका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था नवद्वीप में और इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना करी। गोसाई संघ के संस्थापक कौन थे, उनका नाम बताइए, तो उनका नाम था आपका चैतन्य स्वामी। अब देखिए, और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को औचित्य भेदा भेदभाव के नाम से जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं श्री मद वल्लभाचार्य। इनका जन्म हुआ था 1479 में। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप ओरल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। गोस्वामी तुलसीदास जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में, कब, 1532 में। इन्होंने रामचरित मानस की स्थापना करी और इनकी मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में, 1623 ईस्वी में। धन्ना धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था और राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। मीराबाई मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के कुदवी ग्राम में और इनकी मृत्यु हुई थी 1546 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं रिदास के बारे में। रिदास के केवल माता का नाम बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। माता का नाम था इनका घुरबिनिया। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना करी। रायदारी संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी, याद रखना इनका नाम। फिर हम बात करते हैं दादू दयाल। ये कबीर के अनुयायी थे। जन्म हुआ था 1544 में। कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद में। वर्ष जन्म का इनका नहीं पूछता एग्जाम में, इनका पूछता है किस स्थान पे हुआ था, तो वो हुआ था अहमदाबाद में। फिर हम बात करते हैं सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्मा साम्राज्य की स्थापना करी, संप्रदाय की स्थापना करी। डेथ हुई थी इनकी 1603 ईस्वी में, याद रखना, डेथ कब हुई थी इनकी, 1603 ईस्वी में। शंकर देव, इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। ये चैतन्य के समकालीन थे। शंकर देव किसके समकालीन थे, तो ये थे चैतन्य के समकालीन। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर प्लीज़ जरूर करिए, ठीक है। अब अगली बुक मैं कौन सी स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसके बारे में मैं अभी कंप्लीट डिसाइड खुद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यूपी की लुसेंट बुक स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी वीडियो अब उसके बनेंगे, अब बनेंगे मध्य प्रदेश के वीडियो। जी हाँ, दोनों के वीडियो पैरेलल मैं चलाते रहूँगा। पीडीएफ खुद स्कैन करूँगा या किसी से पेमेंट से बाहर से स्कैन करवाऊँगा, वो मेरी हेडक है, ठीक है। बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए और नोट्स बनाइए कम्प्लीटली और टारगेट सेट कर लीजिए कि इस वर्ष के एंड तक आपको अपना सिलेक्शन किसी भी कीमत में लेना है। करो या मरो वाला हिसाब होना चाहिए, ठीक है ना। एक छटपटाहट सी अपने अंदर होनी चाहिए एग्ज़ाम से पहले की, हाँ तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ना है। ये सब बातें मैं आपको काफ़ी हद तक काफ़ी वीडियो में बोल चुका हूँ। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।